नमस्ते, आज हम बना रहे हैं दही वड़ा। दही वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये किसी भी पार्टी या किसी भी त्यौहार या ऐसे ही बनाइए तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल को धो लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कप लिया है, अच्छी तरह से धो करके रात भर के लिए हम भिगो करके रख देते हैं। 5-6 घंटे या रात भर भिगो देंगे इसको, और फिर इसको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। फिर लगातार इसको हम फेटेंगे, लगातार हाथों से हम फेटेंगे। फेटते फेटते देखिए हल्का हो गया है, और पानी में जब हम डालेंगे ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल मेरा पेस्ट हल्का हो गया है, मतलब अब बनाने के लिए तैयार है। अब पेस्ट में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और हींग डालेंगे। हींग डाल करके अच्छी तरह से हम मिलाएंगे उसको। कढ़ाई में हमने तेल को डाल दिया है, यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, आप कोई भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। और पानी लगा करके ही हम छोटी छोटी लोई लेकर के उसमें हम डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखे हुए हैं, और इसको हम अभी नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा जब नीचे सीख जाएगा तब इसको हम उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, करीब से 5 मिनट लगेगा सीखने में। देखिए अच्छा फेटने के कारण इसमें देखिए अभी बबल्स पड़ गया है। अब हम पलट के भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पलट दिया सभी को, फिर एक तरफ से अच्छी तरह से सिकने के बाद दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल देते हैं। पे हमने बटर मिल्क, जिसको छाछ भी बोलते हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक डाल करके मिला देंगे हम पहले। फ्राई किया हुआ जो बड़ा है उसको अब हम छाछ में डाल देंगे। सभी बड़ों को हम छाछ में डाल करके डुबो देंगे, और इसको कुछ 1-2 घंटे के लिए हम ढक करके रख देंगे। अच्छी तरह से छाछ को सोख लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, यहाँ पर हमने देखिए 2 बड़ों को डाल दिया है, और फेटा हुआ दही हम पहले डालेंगे। अब यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और बड़ों को डाल करके उसके ऊपर हम फेटा हुआ दही, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर उसके ऊपर हम मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी डालने के बाद हम यहाँ पे अनार के दाने डालने हैं, ये ऑप्शनल है। और खाने के लिए मेरा टेस्टी दही बड़ा बन के तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।